So, hi guys, this is विंध्या तिवारी और आप लोगों ने मुझे पहले बहुत सारे टीवी शोज में देखा होगा और अब मेरी एक नई जर्नी शुरू हो गई है जो कि है फिल्मों में। मेरी फिल्म द कन्वर्जन जो रिलीज हो गई है 6 तारीख को और उसको बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है और साक्षी मिश्रा जो किरदार मैं निभा रही हूँ हर जगह उसे लोग बहुत ज्यादा सराह रहे हैं और ये फिल्म एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई है और इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि पहली फिल्म थी और लोगों ने इस चीज को बहुत सराहा है तो हौसला अफजाई काफी मिल रही है हर जगह से हो रही है। सो अभी ओबियसली मैं काफी ज्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, प्रमोशंस में भी ट्रैवल कर रहे थे और दो तीन प्रोजेक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में है वो कर रहे हैं और अभी भी मैं बाहर हूँ, आउटडोर पे हूँ और जो मेरी दूसरी फिल्म है उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबके आशीर्वाद से, प्यार से, मतलब चीजें अच्छी हो रही हैं और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मुझे पता है कि और भी ज्यादा नॉच हायर चीजें करनी होगी और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी तो बस वही कर रही हूँ। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है और ऑब्वियसली स्किन भी काफी डैमेज हो रही है बट दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर एंड या आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन इवन मोर। मुझे याद है कि जब मैं 3 साल की थी तब से ही मेरा ऐसा सपना है, मतलब मैं दिन में भी रात में भी हर वक्त यही था कि मुझे बॉम्बे जाना है और मुझे एक एक्ट्रेस बनना है एंड आई वाज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट। फिल्में हमेशा मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रही और हमेशा मुझे बस ये लगता था कि पढ़ तो मैं रही हूँ, चलो ठीक है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मम्मी पापा को कन्विंस करना है, तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो नंबर अच्छे लाती थी और नंबर लाने के बाद यही कहती थी मम्मी बॉम्बे मम्मी बॉम्बे। तो हाँ मतलब जो चाहा वो मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे माँ बाप भी मुझे इतने अच्छे मेरे माँ बाप हैं कि वो उन्होंने मुझे भी उड़ने के लिए पंख दिए ताकि मैं ऊंचाइयों के साथ और अपने ड्रीम्स के साथ उड़ पाऊँ और उन्होंने मुझ पे बहुत भरोसा किया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने भी उठाई, विश्वास को कभी तोड़ा नहीं और आई ऑलवेज बिलीव इन हार्डवर्क एंड डेडिकेशन और जब कोई भी इंसान इस चीज पे बिलीव करता है और शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता मुझे लगता है कि एक ना एक दिन जो चीज वो डिजर्व करता है उसे वो चीज जरूर मिलती है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट और बाकी तो अपना काम करना चाहिए, आपकी डेस्टिनी जहाँ है आपको वहां तक जरूर लेकर जाएगी, बस अपनी मेहनत करते रहिए। देखिए अबाउट एटमी प्रोडक्ट्स व्हाट हैपेंड इज कि आई वाज शूटिंग इन मलेशिया तो टेली कैलेंडर लंकावी मलेशिया वी वर शूटिंग और वहां पे मेरे एक मित्र वैभव जैन थे और वो मिले और उनसे मेरी काफी बातचीत हुई। तो उसके बाद भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारी इंडस्ट्री में कि आप वैसे तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं लेकिन लोगों से व्यवहार जो है मेंटेन हो पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी से नए लोगों से मिलते ही रहते हैं और हमारी लाइफ बड़ी एडवेंचरस सी रहती है, बट कुछ लोग बहुत अच्छे से आपके साथ उनका एक रिश्ता बन जाता है। तो वैभव के साथ वैसे ही था, तो ऑन एंड ऑफ हम बात करते रहते थे, फिर काफी 5 साल 6 साल हो गए तो वैभव ने मुझे एक दिन ऐसे ही कॉल किया और बोले की बात है और मुझे कोरोना भी हो गया था तो मेरी हेल्थ काफी डाउन थी एंड तो वैभव ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे पोमोग्रेनेट जेल के बारे में बताया, उन्होंने मुझे काफी सारे सैंपल भी भेजे और बोला कि ये बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है और आपको डेफिनेटली खाना चाहिए। तो उसको खाने के बाद डेफिनेटली मेरी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं स्किन प्रोडक्ट्स, तो मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ का रूल ये है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे बैठकर लोगों को ये नहीं बोलती कि ये हमारा प्रोडक्ट है ये लीजिए और ये बहुत अच्छा है जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। इफ आई डोंट बिलीव इन दैट प्रोडक्ट तो मैं उस चीज की पब्लिसिटी नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बीइंग रियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे हैंडल पे भी देखेंगे मैं जिस प्रोडक्ट को बोलती हूँ तो उसको मैं यूज भी करती हूँ, तभी मैं लोगों को बोलती हूँ कि उसको यूज कीजिए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ डाल पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बट मुझे नहीं अच्छे लगते तो मैं नहीं डाल पाती हूँ उसे कहीं पे। तो मैं बोला सही हाँ हाँ दैट्स फाइन आई एम श्योर यू विल लाइक इट बट अगर इफ यू डोंट लाइक इट डोंट पोस्ट इट। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है।
तो इन्होंने ये प्रोडक्ट मुझे भेजा और उसके बाद मैंने इसे लगाया, तो ऑब्वियसली मेरी पूरी स्किन टोन में काफी फर्क आ गया है। मतलब मैं पिछले 2 महीने से इसे यूज कर रही हूँ। सकती होगी कि मैं मेकअप बहुत मतलब कुछ किया ही नहीं है, इट्स लाइक और मैं यही प्रोडक्ट रात को यूज करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिल पाता है ऑब्वियसली, तो नाइट रिज्यूमे का ही टाइम होता है और ये नाइट क्रीम्स है पूरी की पूरी, इसका एक प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस है। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट, दिस इज लाइक माय फेवरेट फेवरेट प्रोडक्ट। ये मतलब बहुत ही कमाल का सीरम है और इससे स्किन टोन ओवरऑल स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। एक तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है और मुझे पिंपल्स भी बहुत आते हैं, लाइक अ मैजिकल थिंग फॉर मी। तो देन आपने मुझे ये कहा कि अगर मुझे लगता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं देन वी कैन टॉक अबाउट इट, सो आई वाज लाइक या ऑफ कोर्स बिकॉज़ आई लाइक द प्रोडक्ट एंड आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज़ दिस इज लाइक, हम पैसे तो बहुत खर्च करते ही हैं हर प्रोडक्ट्स के लिए, हम लड़कियां तो खास तौर से इसके लिए ये, इसके लिए वो, उसके लिए वो, यू नो लाइक आंखों के लिए अलग, फिर ग्लो के लिए अलग, फिर ये, बट ये जो 5 स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ उसमें सब कुछ है, आंखों के लिए भी है, नाइट क्रीम भी है, टोनर भी है, देन देयर इज सीरम आल्सो, देन आई हैव दिस सेल एक्टिव लोशन आल्सो, सो ये सब कुछ एक ही जगह पे मुझे मिल जा रहा है। तो मेरे को मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यू नो सोचना पड़ रहा है, एंड आई एम यूजिंग इट एंड आई एम सीइंग अ वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू गाइस, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा अभी इसके बारे में, अभी अभी हाल फिलहाल ये लॉन्च हुआ है, बहुत ज्यादा इसके बारे में आप लोग बात भी नहीं कर रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो जेन्युइन है जिनसे आपकी स्किन सच में अच्छी हो सकती है, तो यू शुड जस्ट टॉक अबाउट इट, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर। सो देयर वाज थोड़ी थोड़ी ना टैनिंग सी थी मुझे यहाँ बिकॉज ऑफ द लाइट्स एंड मे बी बिकॉज ऑफ सनलाइट, हमारे शूट में भी बहुत लाइट्स हेवी होती हैं, लेकिन वो ओवरऑल चले गए हैं। मतलब इसको लगाने से जो स्किन की टेक्सचर होती है, एक सॉफ्टनेस सी होती है, एक हल्का ग्लो होता है, वो भी आ गया है। एंड ऑल्सो वैभव ने मुझे हाल फिलहाल ये भी प्रोडक्ट्स कुछ भेजे हैं जो कि एक बीबी क्रीम है, और ये तो बहुत ही अमेजिंग है, एटमी हेल्दी ग्लो बेस, इसके अंदर SPF भी है। तो कई बार क्या होता है, मेरा मन नहीं होता कि मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ तो कुछ मेकअप नहीं करना है, तो आई अप्लाई दिस क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी है और ये बिल्कुल नो मेकअप ग्लो देता है, तो ये मुझे और अच्छा लगा। तो या आई मीन ओवरऑल मेरी स्किन, आई मीन आई फील द ग्लो, मुझे बहुत लाइट लगती है स्किन टेक्सचर वाइज भी, एंड देयर इज अ सॉफ्टनेस व्हिच इज कमिंग। मुझे लगता है इसको मैं जितना यूज करूंगी स्किन उतनी और बेहतर होती है। वो अभी 1.5-2 महीने हुए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जितनी क्रीम मैं अब तक यूज करी थी उसका वो रिजल्ट नहीं आया जो मुझे इस क्रीम में दिया। वैसे तो सारी बहुत अच्छी है बट ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट, ये मेरी फेवरेट है। I mean, what happened was कि मैं ना एनर्जी में बहुत लो रहती थी, मैं हर वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोती रहूँ, बस मुझे बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ, बिकॉज आई थिंक कोविड के बाद ये ऐसी चीजें सबके साथ ही हो रही थी, बिकॉज आप बहुत लेथार्जिक फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि स्लीपी है। तो जब मैं ये खाती थी पोमोग्रेनेट जेल, तो उसको खाने के बाद मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती थी, मुझे लगता था कि हाँ, एक तो मुझे मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया भी था कि इसमें 10 अनार की गुड़ है जो एक जेली में है, तो उसको मेंटली भी मुझे ऐसा लगता था कि वाओ आई एम हैविंग 10 अनार एट वन गो। वो एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी तो मेरे अंदर आती थी, आई यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड फ्रेशनेस ही लगती थी। और मैंने इसे पहले तो एवरी ऑल्टरनेट डे खाया, और उसके बाद फिर अभी मेरे पास कुछ आए थे 60 पैक्स 60 ऐसे ऐसे, तो मैंने उसको एक्चुअली मम्मी पापा को भी खिलाया, तो मेरे पास ज्यादा नहीं, अभी कुछ 15-17 ऐसे कुछ बचे होंगे, दैट्स इट, सब खा गई, बिकॉज़ आई लव्ड इट एंड उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कांग्रेचुलेशंस एटमी मेंबर्स फॉर द न्यू लॉन्च हेमोहेम, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू ट्राई इट, कांट वेट गाइज, दैट वाज इट। और जितने लोगों ने कन्वर्जन फिल्म देखी है उनको तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिल्म नहीं भी देखी है, तो प्लीज जाइए फिल्म जरूर देखिए, और
हमेशा इसी तरीके से मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, उसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी और उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। एंड यस आई एम एसोसिएटेड विद दिस प्रोडक्ट नाउ, एंड बाकी तो मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई दी है दैट दीस प्रोडक्ट्स आर गुड, दे आर जेन्युइन, ऑथेंटिफिकेशन अच्छी है इनकी, और बाकी आई डोंट वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स सिटिंग हियर, बट या थिंग्स व्हिच आर गुड एंड नाइस आई फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट, एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड दैट हमारी फिल्म कन्वर्जन एक बहुत ही अच्छे सोशल कॉज के साथ आई, और वो मेरी पहली फिल्म, और वो कुछ चेंज लेकर आएगी सोसाइटी में, और लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं, तो बस ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू सो मच।